हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 8 डिस्कस करने वाले हैं, और ये रिवीजन वीडियो है। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं 2020 के एग्ज़ाम्स के लिए, और साथ ही साथ ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, प्री बोर्ड, मॉक टेस्ट, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं पॉलिटिकल साइंस के ईयरली में, वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो 7 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किए थे और ये पार्ट 8 है उसका। तो पहले की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करें और सारी वीडियोस देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यह है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, कि जो भारतीय विदेश नीति है इसके क्या क्या सिद्धांत रहे हैं। तो पहला कि भारत ने हमेशा से गुटनिरपेक्षता को फॉलो किया है। दूसरा, भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखने में विश्वास रखता है, लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। दूसरा, तीसरा जो है पंचशील की विचारधारा का अनुसरण करता है भारत। क्या है पंचशील, इसे मैं विस्तार से भी बताऊंगा आगे। ये सारे मैंने बता दिए, ठीक है ना, गुटनिरपेक्ष वगैरह पहले की वीडियोज़ में मैंने बता दिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। चौथा, भारत हमेशा से साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध करता रहा है। पाँचवा, भारत यूएनओ का समर्थन करता है हमेशा, जितने भी सम्मेलन होते हैं भारत उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भारत निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है, यानी कि हथियारों से दूर रहता है, हथियारों का प्रयोग नहीं करता है। तो भारत की विदेश नीति की ये सारी विशेषताएं हैं। भारत जो है किसी से भी अगर विदेशी संबंध बनाता है तो वो इन इन सिद्धांतों को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट है पंचशील समझौते के विषय में, आप क्या जानते हैं। देखिए, अब ये जो पंचशील समझौता है ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, किसके बीच हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, इनके बीच हुआ था ये। और शर्तें क्या रखी गई थी, शर्तें ये रखी गई थी कि जो देश हैं हम, चाइना और भारत, ये परस्पर अखंडता व प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे और परस्पर लाभ व समानता की भावना रखेंगे। दूसरा, अनाक्रमण, यानी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी अहस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, ना आप हमारे देश के मामले में बोलेंगे और ना ही हम आपके देश के मामले में बोलेंगे। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व रखेंगे, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो थी शर्तें थी पंचशील की, तो याद रखें प्रधानमंत्री चीन के थे चावन लाई और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ, 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। अच्छा, अभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है, भारत और चीन के बीच विवादित मुद्दे की चर्चा करें। तो भारत और चीन के बीच के कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे हमेशा लड़ाई होती है। तो पहला कारण याद रखना, तिब्बत विवाद। तिब्बत विवाद हुआ यह है कि भारत के बगल में एक, आपने देखा होगा नक्शे में, अगर आप लोग नक्शा देखते हो तो, क्योंकि मैं पीडीएफ में लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ये राइटिंग सही नहीं आती है, ठीक है ना। इसमें तो यहाँ पर है तिब्बत, ये तिब्बत, तो चाइना हमेशा से तिब्बत पे जो है अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, लेकिन भारत इसका विरोध करता है क्योंकि भारत से लगा हुआ है तिब्बत देश, एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत जो है वो तिब्बत की सहायता करता है। तो चाइना इसके लिए विरोध करता है कि भारत क्यों तिब्बत की सहायता कर रहा है। तो कहा जाता है एक बार तिब्बत पर जब आक्रमण किया था तो दलाई लामा, जो कि तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं, वो भारत में आ गए थे। कब आए थे, 1969 में ये भारत में आ गए थे। तो हमें पता नहीं था कि ये उस समय भाग कर आए हैं। तो चाइना जो है वो यूएनओ चला गया था कंप्लेन लेकर कि जो भारत है वो आतंकवादियों को शरण दे रहा है, अलगाववादियों को शरण दे रहा है, सॉरी, ठीक है ना। तो उससे संबंध हमारे ख़राब हुए थे। तो इन्हीं सब का जो परिणाम था, 1962 में हमें पीट कर उसने बदला ले लिया था इसका, ठीक है ना। 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हुई थी जिसमें भारत हार गया था। दूसरा कारण है लड़ाई का, वो है अरुणाचल प्रदेश। भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, आपने नक्शे में देखा होगा। और यहाँ विवाद ये है कि चाइना कहता है कि ये यहाँ की संस्कृति हमारे से मिलती है, ये हमारा हिस्सा है, लेकिन भारत का मानना है कि ये उसका हिस्सा है, भारत का राज्य है। तो हालांकि मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश की आधी से अधिक संख्या जो है वो चाइना की शरण मिलना चाहती है, तो अरुणाचल प्रदेश पर जो है अधिकार करना चाहता है चीन, इसको लेकर भी लड़ाई होती रहती है। नेक्स्ट है पाकिस्तान को समर्थन। पाकिस्तान एक बहुत ही कमज़ोर देश है, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए उछलता है, उसका कारण ये है कि
पाकिस्तान चीन जो है इसको हमेशा से समर्थन करता आया है, हथियार देता है इन्हें, आर्थिक सहायता देता है इन्हें, तो इन्हीं सब का प्रयोग जो है वो पाकिस्तान हम पे करता है, तो इससे भी हमारे जो संबंध है वो चीन से ख़राब रहते हैं। भारत ये चाहता है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को जो सहायता देता है उसे ना दे। एक और कारण है, वो है सीमा विवाद, बॉर्डर को लेकर लड़ाई है। चीन का बॉर्डर जो है वो कश्मीर वगैरह से मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में हमसे मिलता है, सिक्किम से मिलता है, तो उसके लिए जो है हमेशा से लड़ाई होती रहती है, भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी जाती है। तो ये चार पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जिससे कि भारत और चीन में विवाद होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विवाद के क्या कारण हैं। तो इसके लिए तो आप बहुत सारा बना सकते हैं। पहला है कश्मीर विवाद, कश्मीर को पाकिस्तान लेना चाहता है, भारत देना नहीं चाहता, इसलिए इसमें संबंध जो है ख़राब बने रहते हैं। दूसरा है भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहन, जो पाकिस्तान है वो भारत में आतंकवादी गतिविधियां करता है। तीसरा सीमा विवाद, बॉर्डर पर हमेशा जो है सीमा को लेकर लड़ाई होती रहती है, भारतीय कैदियों और मछुआरों को जो अरेस्ट कर लिया जाता है पाकिस्तानियों के द्वारा, फिर उन्हें रिहा नहीं किया जाता, सरबजीत मूवी आपने देखी होगी। और पांचवा सैनिक हत्या, आए दिन जो है वो भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी जाती है, वहाँ की सरकार जो इस पर कोई ध्यान नहीं देती। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जिससे कि भारत और पाकिस्तान में विवाद बने रहते हैं। नेक्स्ट है, 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा कीजिए। राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा बतानी है, मैं बता दूं 1969 में राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें दो उम्मीदवार थे, एक तो खड़ा गया था इंदिरा गांधी ने, दूसरा खड़ा गया था सिंडिकेट ने। इंदिरा गांधी की तरफ से खड़े थे वीवी गिरी, और सिंडिकेट ने खड़ा किया था नीलम संजीवा रेड्डी को। और इंदिरा गांधी ने इसी चुनाव में जो है वो ये निर्वाचकों से ये कहा था कि वो अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, यानी अंतरात्मा उनकी जो कहती है उस आधार पर वो वोटिंग करे। इलेक्शन का परिणाम आया और वीवी गिरी जो थे वो जीत गए थे और नीलम संजीवा रेड्डी हार गए थे, ठीक है ना। तो ये था 1969 का चुनाव, काफ़ी विवादपूर्ण रहा था। कांग्रेस का विभाजन, ये भी आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1969 में किन दो वर्गों में हुआ था, तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस। पुरानी कांग्रेस किसकी थी, तो सिंडिकेट की थी। नई कांग्रेस किसकी थी, तो इंदिरा गांधी की थी, ठीक है ना, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कई बार ये भी पूछ लेता है ग्रैंड अलायंस क्या है, तो ग्रैंड अलायंस एक नारा है जो 1971 के चुनाव में दिया था इंदिरा गांधी को हराने के लिए। किसने दिया था, तो सिंडिकेट ने दिया था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिंडिकेट ने दिया था नारा ये। अभी सिंडिकेट सिंडिकेट है कौन, ये सिंडिकेट इन्हें जान लेते हैं। तो सिंडिकेट में बता दूं, कांग्रेस के भीतर ही ये ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह है जिनके पास राजनीति का बहुत ही कठोर एक्सपीरियंस था, इनके पास ठीक है कठोर अनुभव था। अब कौन कौन से ऐसे नेता थे सिंडिकेट में, तो याद रखें मद्रास के पहले मुख्यमंत्री रह चुके के कमराज इसमें शामिल थे, बम्बई से थे एस के पाटिल, मैसूर से थे के एस निजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश से थे नीलम संजीवा रेड्डी, और पश्चिम बंगाल से थे अतुल्य घोष। तो ये सारे नेता जो हैं सिंडिकेट के नेता कहलाते हैं। तो विवाद क्या हुआ था ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तो शास्त्री जी को जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया था, तो शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में ही इंदिरा गांधी काम कर रही थी, उस समय वो सूचना प्रसारण मंत्री थी। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बताता हूँ आप नोट डाउन जरूर करें, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सूचना प्रसारण मंत्री थी कौन, इंदिरा गांधी, किसके मंत्रिमंडल में, अटल कह रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में। तो जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था। क्यों बनाया था, उसका कारण ये था कि सिंडिकेट चाहते थे कि हम इंदिरा गांधी को अपनी उंगलियों पे नचाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंदिरा गांधी जैसे राजनीति में आई उन्होंने इन सारे झोलों को समझा और उसके बाद सिंडिकेट का ही विरोध करना शुरू कर दिया, अपनी इच्छा अनुसार सारी नीतियों का निर्माण किया था। और हुआ ये कि इससे जिन सिंडिकेट और इंदिरा गांधी में काफ़ी बहस हो गई थी और कांग्रेस विभाजित हो गई थी, ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1960 के दशक को किन कारणों से खतरनाक दशक कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है किन कारणों से कहा जाता है, तो याद रखें इसी दशक में यानी 1960 के दशक में दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी थी, एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। मानसून असफल हो चुका था,
मानसून न आने के कारण उत्पादन जो है देश में पूरी तरह से गिर गया था। जितनी भी हमारे पास विदेशी मुद्रा थी वो सारी खर्च हो चुकी थी। जन आंदोलन खड़े हो रहे थे, जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता थे वो सारे के सारे जन आंदोलन कर रहे थे। खाद्य संकट आ गया था, खाने के लिए देश में कुछ भी नहीं था। इसलिए कहा जाता है एक समझौता हमने अमेरिका से किया था और अमेरिका से अनाज वगैरह हमने आयात किया था। कांग्रेस 9 राज्यों में इसमें हार गई थी। ये पॉइंट इसमें सूट नहीं करेगा लेकिन फिर भी मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है ना, इनअप्रोप्रिएट है इसके लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इन सब कारणों से 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। चौथे आम चुनाव यानी कि 1967 के भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े, जो चौथा आम चुनाव हुआ था उससे भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला, कांग्रेस के प्रभुत्व को झटका लगा था इस चुनाव में। हुआ ये था कि इसी चुनाव में कांग्रेस 9 राज्यों में हार गई थी, 9 राज्यों में हार गई थी, और विपक्षी दलों में एकता का विकास हुआ था, मतदाताओं में जागरूकता फैली थी, गठबंधन सरकार शुरू हो गई उस समय से ही, और दल बदल की राजनीति शुरू हो गई थी। यानी एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी में जा रहा था, आया राम और गया राम, आपने सुना होगा ये मुहावरा, ठीक है ना। तो ये सारे प्रभाव पड़े थे चौथे आम चुनाव की राजनीति पर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या रणनीति अपनाई थी, ठीक है ना, क्या रणनीति अपनाई थी। यानी कांग्रेस जो थी, जो हार गई थी चुनाव में, उसको दोबारा से कांग्रेस को जिताने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया। पहला, गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। तो मैं बता दूं, विपक्ष ने भी नारा दिया था इंदिरा हटाओ, याद रखना, ठीक है ना। तो पहला नारा क्या था, गरीबी हटाओ का नारा दिया ताकि जनता जो है वो इंदिरा गांधी की ओर आकर्षित हो। दूसरा, प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया। क्या होता है प्रीवी पर्स, तो मैं बता दूं कि जब रजवाड़े यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो रजवाड़े भारत से अलग हो रहे थे, तो भारत में मिलने के लिए उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दी गई थी, दी जा रही कि मतलब बात की गई थी कि जो रजवाड़े भारत में मिलेंगे उन्हें हम पेंशन देंगे हर वर्ष, उसे ही प्रीवी पर्स कहा जाता था। इंदिरा गांधी जब शासन में आई तो उन्होंने उन्हें अच्छा नहीं लगा कि राजा महाराजाओं को क्यों दी जाए भारत सरकार के द्वारा पेंशन, इसी कारण उन्होंने इसे बंद कर दिया। तो ये प्रीवी पर्स इसे ही कहते हैं। तो इंदिरा गांधी ने इसे खत्म कर दिया, जनता इससे काफ़ी खुश हुई। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। जनता इस कारण भी खुशी खुश रही, इससे फायदा ये हुआ कि किसान वगैरह को जो है लोन आसानी से मिल जाने लगा। महिला व बेरोजगारी में इंदिरा गांधी ने काफ़ी सहायता करी लोगों की। भूमि सुधार किया गया। तो ये सारे ऐसे कांड थे जिससे कि कांग्रेस को दोबारा से स्थापित करने के लिए इंदिरा गांधी ने कदम उठाए थे। नेक्स्ट है, आपातकाल के प्रमुख परिणाम क्या हुए। आपातकाल कब लगा था, तो याद रखें 25 जून 1975 में जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। और दो अखबार ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया था, ठीक है ना। तो उन दो अखबारों के नाम आपको याद रखने हैं, इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा था स्टेटमैन। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमैन। तो आपातकाल के परिणाम क्या हुए थे। पहला, जितने भी समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि कोई भी जो समाचार है वो बिना सरकार की इजाज़त के नहीं छापा जाएगा। दूसरा, सामाजिक धार्मिक जितने भी संगठन थे उस पर रोक लगा दी गई थी। तीसरा, धरना प्रदर्शन व हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, कोई नहीं करेगा। विपक्ष के नेता जितने भी थे उन सबको गिरफ्तार किया गया और मौलिक अधिकार जो होते हैं उसका स्थगन कर दिया गया था, ठीक है ना, सभी के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था। निवारक नज़रबंदी कानून बना दिया गया था, यानी जिस भी व्यक्ति पर ये शक होता है कि वो भारत की एकता व अखंडता को खतरा पहुंचा सकता है तो उसे शक के आधार पर ही जेल में डाल देना, उसे कहते हैं निवारक नज़रबंदी। तो ये सारे कार्य किए गए थे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, आपातकाल के दौरान घटी घटनाएं बताइए, क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो पहला, इंदिरा गांधी ने जो है 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया था, कई प्रकार के भूमि सुधार कार्यक्रम भी लागू किए गए, प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, यानी कि प्रेस जो है मतलब जितने भी अखबार वगैरह छपते हैं उस पर रोक लगा दी गई थी, विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी की गई और नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के सबक बताइए, लोगों को क्या सीख मिली आपातकाल से। तो याद रखें, पहला, लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ गई, और दूसरा, लोकतंत्र को जड़ से मिटाना काफ़ी कठिन है, जनता इस बात को समझ गई, और मौलिक अधिकारों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ गई, क्योंकि आपातकाल से पहले लोग मौलिक अधिकार का मतलब नहीं जानते थे, अब जो है
आपातकाल जब लगाया गया तब उन्हें मौलिक अधिकार का महत्व समझ आ गया। नेक्स्ट, आपातकाल की बाद की राजनीति बताइए। आपातकाल की बाद की राजनीति में बता दूं, 1977 में जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी हार गई और उसकी जगह पर जनता पार्टी आ गई। मोरारजी देसाई वहाँ के प्रधानमंत्री बने, पहले भारत के। और याद रखना, मोरारजी देसाई जो थे वो भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। और फिर इंदिरा गांधी की जांच के लिए, आपातकाल के दौरान जो भी अत्याचार हुए उसकी जांच के लिए एक शाह आयोग बनाया गया। केटी शाह जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। शाह आयोग काम ये सौंपा गया कि ये जांच करेगा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान क्या क्या कार्य किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। बांध के विरोध में था ये, ठीक है ना। गुजरात, ये एक नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए जाती है, तो सरकार ने इस पे बांध बनाने का निर्णय लिया था। तो लोगों ने इसका विरोध किया था, क्यों? क्योंकि अधिकतर जो घर थे वो इससे हट रहे थे, और मतलब कि उनको हटाया जा रहा था, दूसरे जगह पर पुनर्स्थापित किया जा रहा था, और साथ ही साथ कई वृक्षों को काटा जा रहा था। तो जनता जो थी उसके विरोध में खड़ी हो गई थी। तो इसे ही कहा जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। और मैंने अपनी पहली की वीडियो जब मैंने चैप्टर ही करवाया था तब मैंने ये सब करवा रखा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसे सरदार सरोवर परियोजना थी, ठीक है ना। परियोजना अगर पूछे आपसे तो याद रखना सरदार सरोवर परियोजना, जिसके तहत जो है ये बांध बनाने का निर्णय लिए गए थे। चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। किस पेड़ के लिए हुआ था? तो अंगू पेड़ के लिए हुआ था। हुआ ये था कि महिलाओं को जब ज़रूरत थी तो जंगल में जाकर वो लकड़ियाँ बीनने गई थी, तो जंगल के मालिक ने मना कर दिया था। कई सारे कानून बताए गए उन्हें, जिससे कि जो गांव वाले थे उन्हें लकड़ियाँ नहीं चुनने दी गई। तो कुछ समय पश्चात महिलाओं को इस बात की खबर मिली कि जो जंगल है वो बेच दिया गया किसी खेल विभाग को, और खेल विभाग का जो अधिकारी है वो जंगल की लकड़ियाँ काटने के लिए आ रहा है। तो इन महिलाओं ने उन्हीं पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि इनका मानना यह था जब हमने अपनी जब हमारी स्थिति खराब थी, जब हमें इनकी ज़रूरत थी लकड़ियों की, तब हमने इसको कोई ठेस नहीं पहुंचाने दी, और आज किसी दूसरे के हाथों उन पेड़ों को क्यों कटने दी। इसलिए इन महिलाएं जो थीं वो सारी की सारी गईं, क्योंकि उस समय पुरुष थे नहीं, सारे काम पे गए हुए थे। तो ये महिलाएं जो थीं वो सारे एक एक पेड़ पर चिपक गई थीं, ठीक है ना। तो इससे इसे ही कहा जाता है चिपकू आंदोलन, चिपकू आंदोलन। और पेड़ जो है वो बचा लिए गए थे। उत्तराखंड में ये आंदोलन चलाया गया था। सो ये तो था हमारा एंड वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियोस अगर आपको चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उसका आंसर भी ज़रूर दें। पहले की वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।